नमस्कार दोस्तों, आज हम विशेष रूप से आपके लिए एनडीएस में कुछ नया थीम लेकर आए हैं और एक ऐसा वीडियो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो आपने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। आज हम जो वीडियो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि यहाँ ये जो गौशाला जैसा दिखाई दे रहा है, ये गाय जो हमारी हम जिनको माता का दर्जा देते हैं वो आपके सामने ये दिख रही है। और ये जो जगह है वो काना भाई बोरसिया और कुसुमबेन बोरसिया जो यहाँ रहते हैं और पैसे से खुद फार्मर हैं, खेती का काम संभालते हैं। लेकिन आज हमने एक बात जानी उनके मुख से तो हमें काफ़ी वंडर लगा। यहाँ जो अभी गाय ने एक छोटा सा बछड़ा अभी 2-3 दिन का हुआ है और गाय उनको सहला रही है, तो मैंने कुसुम बहन जी से पूछा कि आप जो ये गाय का दूध इस्तेमाल करती हैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ 4 नहीं 5 गाय है जो गाय माता का विशेष रूप से लोग जतन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो दूध देती है और दूध खुद लोग पीते हैं और बाजार में वो बेच कर आते हैं तो उनसे काफ़ी सारे पैसे भी मिल जाते हैं और दूध से घी बनता है तो घी भी काफ़ी उनका भी कीमत बहुत हाई रहता है। तो आर्थिक उपार्जन से हम गाय को पूजते हैं, उनको सहलाते हैं, नहलाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं और वो जो दूध देती है वो हमारा मुख्य आशय रहता है। लेकिन ये सही बात नहीं है। एनडीएस में जो भी एनिमल मिल्क है वो पीने के लिए बिल्कुल ही मना करते हैं। तो कुसुम बहन ये गाय का दूध खुद के लिए प्रयोग नहीं करती है। कुसुम बहन, ये गाय जो है आपकी वो दूध देती है और आप वो दूध अपने किचन में खुद पीने के लिए इस्तेमाल करती है या फिर और कुछ इस्तेमाल करती है? उनका क्या करती है उन दूध का? हाँ, ये आप छोटा बछड़ा जो दिखाई दे रहा है बहुत प्यारा है, एकदम स्वीट है, क्यूट है और ये अपनी माँ का पूरा दूध खुद पी जाता है। तो ऐसा तो कोई ही परिवार में देखने को मिलेगा कि जो लोग दूध बेचते नहीं हैं और ये बछड़े का ही पूरा अधिकार है, उनको ही दूध पीने के लिए रख देते हैं और हर रोज ये दूध अपनी माँ का हर रोज सेवन करता है। तो ये सबसे बड़ी बात कहेंगे और यही में सच्ची गौ सेवा है और गाय का विशेष रूप से उनकी सेवा में किसी भी स्वार्थ के बिगैर ये एक नहीं 5 गौ यहाँ दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं काना भाई। काना भाई ने आज यहाँ खटिया ही खड़ी कर दी है। तो यहाँ ये वो आराम इसलिए करते हैं क्योंकि एक छोटा सा जो गाय का बछड़ा है उन्हें कुत्ते कोई परेशान न करे, इसलिए खुद इस माहौल में जहाँ गोबर है और काफी गाय का खाने का सामान रखा है उसमें वो आराम करते हैं क्योंकि बछड़े की देख रेख हो सके और उनको कुछ ईजा ना हो। तो ऐसा गौ प्रेम हमें काफी इस समय में कलयुग में तो बहुत ही कम देखने को मिलेगा। तो ये हमें एक बहुत अच्छा थीम मिला जो आपके सामने हमने रिप्रेजेंट किया है। तो इस तरह से हम सभी सिर्फ मानव को मानव से भी एक प्रेम की कड़ी में जुड़ना मुश्किल हो गया है इस समय में। ये बिना दूध के स्वार्थ रखे बिना ये पशुओं को इतना प्यार करते हैं, अपने फैमिली मेंबर ही गिनते हैं और उसकी इतनी सार संभाल उनकी देखरेख करते हैं। तो इसलिए मैं उनको सैल्यूट करता हूँ और इस तरह से है सभी प्राणियों के प्रति भी खूब प्रेम से व्यवहार करें और मनुष्य को भी एक दूसरे से ऐसे स्नेहपूर्ण व्यवहार करके सदैव हंसते रहना चाहिए, खिलखिलाते रहना चाहिए। और ये पशुजन्य दूध सिर्फ ये बछड़े के लिए ही छोड़ देना चाहिए दूध, तो इसमें ही यथार्थता है, सार्थकता है। तो फिर से
कुछ नई बातों को एनडीएस के लिए फिर से हम मिलेंगे और कुछ नया थीम लेकर आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए हमें सभी लोगों का। हम शुक्रिया मनाते हुए आज यहाँ अपना वीडियो खत्म करते हैं। पूरे परिवार को फिर से अगेन एंड अगेन सैल्यूट करते हैं और ऐसे ही आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें और दूसरों को भी खुश करें। जय श्री कृष्ण, ओम शांति। कुसुमबेन, आपके यहाँ कितनी गाय माताएं आप उनको पालती हैं? 7 चार हैं और अभी एक छोटा सा बछड़ा हाँ आया बच्चा है। है आप हाँ, तो सभी लोग तो गौ सेवा इसलिए करते हैं कि उनसे हमें दूध बहुत सारा, ढेर सारा प्राप्त हो। और आज लोग भैंस के दूध के बोले गाय का दूध बहुत सेवन करते हैं और स्वास्थ्य के लिए अच्छा मानते हैं। तो आपको ये दूध मिलता है गाय से, तो वो खुद उनका प्रयोग करती है या और कुछ करती है? पिलाती अच्छा, उसका जो बच्चा है हाँ उनको आप हर रोज पिला देती हर हैं? रोज और क्योंकि आपको उपयोग नहीं करता घर में उपयोग नहीं करती हैं, तो ये आपको कैसे पता चला कि गाय और भैंस का दूध हमें नहीं पीना चाहिए? बच्चा का लिए है ये दूध बच्चे के लिए है। बच्चा और एनडीएस के बारे में आप जानती हैं? हाँ एनडीएस मैं एनडीएस करती हूँ एनडीएस करती भी हैं। और मैं एनडीएस रोज में एनिमा सुबह एनिमा लेती हूँ अच्छा, ग्रीन जूस पीती हूँ हाँ 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 कच्चा खाती हूँ बराबर है। तो मतलब ग्रीन मैंने जूस मुझे का बहुत अच्छा अच्छा फील हुआ लगता है। और कब्ज की शिकायत तो कभी भी नहीं रहती होगी? और दूसरा कोई फायदा आपको मिला है? मुझे हीमोग्लोबिन बढ़ रहा अच्छा, आपका हीमोग्लोबिन भी बड़ा है। बहुत एक आपने उनका बेनिफिट भी लिया है और अनुभव भी किया है एनडीएस का। तो एनडीएस में गाय का दूध पीने की मना करते हैं या पीने की छुट्टी देते हैं? गाय नु दूध छे ने अमे रसोड़ा में लई आव्या नथी एना बच्चा ने पीवड़ावी दे મારી ગાય છે ને અઠવાડિયા થી વયા તે અમે એને દૂધ પીતા જ નથી ને એના બચ્ચા ને છે ને આખું દૂધ છે ને પીવડાવી દઈએ શીશી માં નાખી ને હમ કોઈ ચા નથી પીતા દૂધ નહી છાસ નહી દહીં નહી કઈ ખાતા જ નથી કોઈ નહી तो खास आज गांव के लोग भी ये बात जान चुके हैं कि जो 30 साल से 40 साल से पी रहे हैं दूध, लेकिन एक सही बात, सही सोच, सही समझ जब दिमाग में बैठ जाती है तो हमारे स्वास्थ्य में लाभ होना उसी दिन से शुरू हो जाता है। तो आप सभी भी कुछ अपने दिमाग के जो किवाड़ है वो खुले रखिए और कुछ अच्छी बातें सोचने, विचारने लायक और चिंतनशील बातें अपने दिमाग में जाने दीजिए और इस शरीर रूपी मंदिर को स्वस्थ रखिए। ओके, थैंक यू।